ने शिमला हिल स्टेट को मिलाकर केंद्र शासित प्रांत हिमाचल प्रदेश बना दिया है और पंजाब हिल स्टेट में विलय की बात अभी विचाराधीन है। मतलब कि हिमाचल, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की नई सीरीज में जो कि हिमाचल पुलिस के लिए और साथ में हिमाचल के आगामी जो भी एग्जाम्स होते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न टॉप 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। मैं रोजाना क्वेश्चंस की भरमार लेकर आऊंगा जो कि हिमाचल पुलिस की और हिमाचल के किसी भी एग्जाम HPPSC के द्वारा जो हो रहे हैं या होने आगे होंगे तो वहीं से क्वेश्चन आएंगे। तो आप इन क्वेश्चंस को जो है लगाना शुरू कर दें। आज हमारी ये पहले प्रश्न से स्टार्ट हो रही है ये वीडियो। आप एक से लेकर 50 तक की मैं रोजाना वीडियोस को जो है आपको दूंगा बना बना के, और PDF लेने होंगे तो आप हम विजयपथ ऑल एग्जाम प्रिपरेशन से जो है संपर्क कर सकते हैं और हमसे ये वीडियोस ले सकते हैं। वीडियोस के साथ में इनके PDFs ले सकते हैं। इनके क्वेश्चंस को आप रीड करें बच्चों, नोट करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला प्रश्न है, किस अंग्रेज अधिकारी के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप 1864 ईस्वी में शिमला अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई थी। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंग्रेज था अधिकारी, उसने 1864 में शिमला को जो है अंग्रेजों की जो है ग्रीष्मकालीन यानी कि उसकी राजधानी बनाया गया था। तो पहले तो ये भी पता लग गया हमें यहाँ से कि 1964 में जो है वो राजधानी यानी कि इसको बनाया गया है अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन, और ये था लॉर्ड लॉरेंस के प्रयत्नों के से द्वारा जो है वो शिमला को राजधानी बनाया गया है। तो ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल, किस राजा का युग नूरपुर के इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है? कौन सा ऐसा राजा था जो कि नूरपुर रियासत में या नूरपुर के इतिहास में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रहा है? तो वो है जगत सिंह। जगत सिंह के जो समय काल है उस समय को जो है नूरपुर राज्य के इतिहास का जो है वो स्वर्ण काल भी कहा जाता है। अगला सवाल, हिमाचल प्रदेश के किस राजा ने अपने पैतृक स्थान सुनहाणी को छोड़कर बिलासपुर नगर एवं बद्दी स्थल की स्थापना की? देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कौन सा है, किस राजा ने जो है बिलासपुर नगर और बद्दी दोनों की स्थापना की है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और राजा दीपचंद जो है वो इसका सही आंसर है। बच्चों नोट करिएगा 1-1 दीपचंद। अगला सवाल, 1857 की क्रांति के लिए शिमला में बनाए गए संगठन के संचालन की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई थी? यानी कि 1857 की जब क्रांति हुई है तो उस वक्त जो संगठन था उसकी जिम्मेदारी किसके पास थी? तो आंसर है स्पार्टू से थे राम प्रसाद बैरागी। राम प्रसाद बैरागी को जो है स्पार्टू से, शिमला के साथ में है, सटा हुआ क्षेत्र है, तो वहां से जो ये बिलोंग करते थे उनके पास ये जिम्मेदारी दी गई थी 1857 की क्रांति। अगला सवाल है, हिमाचल प्रदेश में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कहाँ हुई? तो आपके सामने है कसौली की छावनी से शुरू हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा बच्चों, कसौली छावनी से या सैनिक छावनी से। नेक्स्ट आता है, 1857 की क्रांति के समय डिप्टी कमिश्नर कौन था? 1857 की क्रांति के समय शिमला का डिप्टी कमिश्नर कौन था? विलियम हेंग थे। कौन थे? विलियम हेंग। अगला सवाल, प्रदेश के किन दो क्रांतिकारियों को 3 अगस्त 1857 को ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी की सजा दी गई? तारीखों पर क्वेश्चन आएंगे, तारीखों पर। तो इसका सही आंसर है प्रताप सिंह और वीर सिंह। इन दोनों को जो है
सजा दी गई थी 3 अगस्त 1857 को। अगला सवाल, जुंगा और डांगडरा प्रकार के आंदोलन जो हैं हिमाचल प्रदेश में कहां पर हुए हैं? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। जुग्गा और डांडरा जो दो आंदोलन हैं ये कहां हुए हैं? ये बिलासपुर रियासत में दोनों जो हैं आंदोलन हुए हैं। अगला सवाल है, दुम आंदोलन प्रदेश के किस रियासत में हुआ है? तो दुम आंदोलन शिमला के ऊपरी पहाड़ी यानी कि बुशहर की जो पहाड़ियां हैं वहां पर ये जो है दुम आंदोलन हुआ है। पछोता आंदोलन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों, कई बार पेपरों में पूछा जाता है पछोता आंदोलन कब हुआ, तो 42-43 में हुआ है। और किसके विरुद्ध हुआ है? तो आंसर है अंग्रेजों के विरुद्ध जो है पछोता आंदोलन हुआ है। 1930 में प्रदेश के बिलासपुर रियासत में हुए जन आंदोलन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जन आंदोलन मतलब जनता के द्वारा किया गया आंदोलन। तो डांडरा आंदोलन जो है वो 1930 में हुआ है। एक तो आप ये भी नोट कर लीजिएगा कब हुआ है डांडरा आंदोलन, 1930 में, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल है, 25 अगस्त 1931 को इरविन गांधी समझौते के पर हस्ताक्षर कहां पर हुए? अब गांधी इरविन समझौता हुआ है ये भी आपको याद रखना, 1931 25 अगस्त को, और ये कहां हुआ है? तो आंसर है शिमला में हुआ था। ठीक है जी, कहां हुआ था? शिमला में हुआ था गांधी इरविन समझौता। अगला सवाल है, कांगड़ा क्षेत्र में व्यक्तिगत सत्याग्रह के संचालन के लिए समिति कब बनाई गई? तो इसका सही आंसर है नवंबर 1940 में जो है समिति बनाई गई थी। शिमला से भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन जो है यानी कि शिमला से कौन से आंदोलनकारी रहे हैं, उन आंदोलनकारियों को भी पढ़िएगा। तो वैसे ही हमारी ये स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी ही है, राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन जो है वो शिमला से किया था। इसी प्रकार से ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस लुधियाना में हुई थी, इसके तत्पश्चात शिमला हिल स्टेट्स हिमाचल रियासती प्रजा मंडल की स्थापना। देखिए सबसे पहले स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो है वो लुधियाना में हुई है, इसके बाद प्रजा मंडल की स्थापना की गई जो कि शिमला हिल स्टेट के नाम से जो है रियासत बनाई गई। तो कौन से वर्ष में की गई थी? तो 1931 में की गई थी, 1931 में इसकी स्थापना की गई बच्चों। अगला सवाल, 1934 में प्रदेश की किस पहाड़ी रियासत ने सर्वप्रथम पंचायती राज कानून बनाया था? कौन सी ऐसी रियासत थी जिसने सबसे पहले पंचायती राज कानून बनाया था? तो करेक्ट आंसर रहेगा मंडी। इसी प्रकार से मैं बताऊंगा सबसे बड़ा जो हमारा क्षेत्र है कॉन्स्टिट्यूशन में वो भी मंडी ही है, विधानसभा क्षेत्र जो लेंगे। अगला आएगा, प्रदेश की पहाड़ी रियासतों के प्रजामंडल के प्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्र में प्रजामंडल को सुचारू रूप से चलाने के लिए जनवरी 1946 को किस संस्था की स्थापना की? यानी कि प्रॉपर वर्क करने के लिए उन्होंने कौन सी संस्था की स्थापना की थी? तो करेक्ट आंसर था हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल की। ठीक है, तो ये हमारे सवाल 17 हो चुके हैं बच्चों, सभी ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और शेयर करिएगा। धामी रियासत, इसी प्रकार से रियासत में जो है धामी गोलीकांड हुआ था, तो कब हुआ था धामी गोलीकांड? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जुलाई 1939, बच्चों कई बार ना आप पेपर में जब जाते हो तो आप ईयर याद कर लेते हो कौन से ईयर में हुआ है, मगर HPPSC के एग्जाम्स देने ना आपने, तो भैया तारीख को भी याद रखिएगा 13 जुलाई, क्योंकि तारीख पर भी क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। बहुत बार हुआ है ऐसा कि तारीखों पर आए हैं। धामी रियासत में प्रेम प्रचारणी सभा की स्थापना
किस वर्ष हुई प्रेम प्रचारणी सभा की? तो आंसर है 1942 ईस्वी में जो है प्रेम प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, प्रदेश में भाई दो न पाई दो आंदोलन किस राष्ट्रीय आंदोलन की शाखा थी? तो भाई दो न पाई दो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये आंदोलन जो था बुशहर तथा पहाड़ी रियासतों के लिए क्रांति की मिसाल भी बना है। ठीक है, भाई दो न पाई दो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के वाला है और साथ में आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, अखिल भारतीय रियासती प्रजा परिषद के प्रस्तावों से प्रभावित होकर सिरमौर में हिमाचल की पहली प्रजा मंडल संस्था का गठन किसके द्वारा किया गया था? देखिए, पहली प्रजा मंडल की स्थापना कहां हुई? तो आपका आंसर होना चाहिए सिरमौर। और किसने किया था, किसके द्वारा किया गया था? तो पंडित राजेंद्र दास के द्वारा यह गठन किया गया। क्वेश्चन ट्विंस में बनता है, डबल क्वेश्चन है, आपने ध्यान से नोट करना है, बनाकर लिखना है। अगला है, हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल संस्था के प्रमुख स्वामी पूर्णानंद जी, उन्होंने उनका कार्यकाल कहां पर स्थापित किया गया था? तो इसका कार्यकाल कहां पर स्थापित किया गया था? तो मंडी में जो है, मैंने बताया ना आपको विधानसभा क्षेत्र भी सबसे बड़ा जो है वो मंडी क्षेत्र है, बच्चों याद रखिएगा। इसी प्रकार से हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के प्रथम सम्मेलन मंडी में कब हुआ था? देखिए, इसका मंडी में कब हुआ है सम्मेलन? तो 8 से 10 मार्च तक चला था सन 1946 में ये चला था। हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता आजाद हिंद फौज के किस सुप्रसिद्ध सेनानी के द्वारा की गई थी? आजाद हिंद फौज का एक फेमस रहे हैं, ठीक है, सुप्रसिद्ध सेनानी है, सेनानी यानी कि जो उसमें भाग जिन्होंने लिया था, पार्टिसिपेट किया था, वो कौन थे? तो कर्नल गुरुदयाल सिंह ढिल्लो थे। गुरुदयाल सिंह ढिल्लो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, 25वां सवाल आ चुका है, भारतीय संघ के में विलय होने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी? विलय मतलब समझते होने आपकी, विलय मतलब मिक्स होने के लिए। तो भारतीय संघ में विलय होने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी? तो वो आंसर है ठियोग रियासत जो है वो पहली रियासत थी जो कि भारतीय संघ यानी कि भारत के अंदर जो है वो उसको मिक्स किया गया था। नेक्स्ट, प्रजामंडल प्रतिनिधियों और राजाओं का सम्मेलन बघाट के राजा दुर्गा सिंह की अध्यक्षता में कहां पर किया गया था? देखिए, प्रजामंडल के अधिकारी थे और राजाओं का सम्मेलन हुआ है तो बघाट में हुआ है, ये जगह का नाम है। और राजा दुर्गा सिंह की अध्यक्षता में कहां पर हुआ था? तो ये सोलन में जो है 26 जनवरी और 28 जनवरी के बीच 1948 में हुआ था। इसी सम्मेलन में हिमाचल प्रदेश का नामकरण भी हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हिमाचल प्रदेश का नामकरण कब हुआ था और किस सम्मेलन में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो पेपर में पूछे जाते हैं तब बच्चों को दिक्कत आती है। 27वां सवाल है, पहाड़ी रियासतों को हिमाचल प्रदेश के रूप में संगठित करने की घोषणा राजा दुर्गा सिंह और प्रजामंडल के प्रतिनिधियों ने कहां से की थी? तो सवाल का आंसर है सोलन से जो है शुरुआत की थी, यही हमारे प्रीवियस सवाल में भी यही था। ठीक है, अगला सवाल, हिमाचल प्रांत प्रोविजनल गवर्नमेंट की अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो आंसर है शिवानंद रमौल। शिवानंद रमौल को जो है वो प्रोविजनल गवर्नमेंट की का अध्यक्ष भी बनाया गया है। नेक्स्ट, 18 फरवरी 1948 को सुकेत रियासत का भारतीय संघ में विलय करने पर सत्याग्रहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो आंसर है तो पंडित पदम देव।
फिर से देखिए 18 फरवरी 1948 को सुकेत रियासत का भारतीय संघ में, क्योंकि सुकेत रियासत को भारतीय संघ में न विलय न करने के लिए, नहीं करने के लिए सत्याग्रहियों का, यानी कि जो सत्याग्रह थे जो कर रहे थे ग्रहियों का नेतृत्व किसने किया था, तो वो सबसे आगे थे पंडित पद्मदेव। नेक्स्ट, शिमला की पहाड़ी रियासतों ने विलय पत्र पर कब हस्ताक्षर किए थे, तो कब किए थे, तो 1948 8 मार्च 1948 को उन्होंने सिग्नेचर किए थे। नेक्स्ट आता है, हमने शिमला हिल स्टेट को मिलाकर केंद्र शासित प्रांत हिमाचल प्रदेश बना दिया है और पंजाब हिल स्टेट में विलय की बात अभी विचाराधीन है, मतलब कि हिमाचल को अलग प्रांत बना दिया गया है और कुछ जो क्षेत्र थे उनको पंजाब में भी जोड़ दिया गया है, इसके लिए विलय करने के लिए सोच रहे हैं, तो ये किसने कहा, तो इसका सही आंसर है वो है वीपी मेनन ने, ये सचिव रहे हैं और वीपी मेनन इसका सही आंसर रहेगा। अगला सवाल, 15 अप्रैल 1948 को पहाड़ी क्षेत्र को 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर जब हिमाचल प्रदेश का निर्माण किया गया तो उसे कौन सा राज्य का दर्जा दिया गया। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि छोटी बड़ी रियासतों को जोड़ा, 30 रियासतें जोड़ी हैं बच्चों, और कब जोड़ी हैं, 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया। तीन सवाल आ रहे हैं, दो तीन सवाल एक ही सवाल में, आपको इनको तोड़कर बनाना है, ठीक है। और कौन से नंबर का राज्य बना था, तो ये है हमारे कौन से राज्य का दर्जा दिया गया था, नहीं क्वेश्चन में था 15 अप्रैल 1948 को पहाड़ी क्षेत्र की 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर जब हिमाचल प्रदेश का निर्माण किया गया तो उसे कौन से राज्य का दर्जा दिया गया, तो केंद्र शासित चीफ कमिश्नर प्रोविंस का जो है वो दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व में आने पर पहले चीफ कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिहाज से, चीफ कमिश्नर किसे बनाया गया है, तो सवाल का आंसर है एनसी मेहता को, जो है हिमाचल प्रदेश जब अस्तित्व में आया तो हिमाचल का जो चीफ कमिश्नर है वो किसे बनाया गया था, एनसी मेहता, ये पहले हमारे चीफ कमिश्नर भी रहे हैं हिमाचल प्रदेश के, प्रथम पहले ही डिप्टी चीफ कमिश्नर किसे बनाया गया था, तो सवाल का आंसर है पेडरल मून, पेडरल मून को जो है वो बनाया गया था पहला डिप्टी चीफ कमिश्नर। ये एचएस के अभी एग्जाम हुआ था आगामी, तो उसमें भी इसी प्रकार से यही से पूछे गए क्वेश्चंस थे, हम उसी लेवल के क्वेश्चंस को जो है वो आपके साथ लगा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश हिल स्टेट की 26 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर किस जिले का निर्माण किया गया, कौन सा जिला जो है वो 26 रियासतों 30 में से 26 देख लो बनाया गया, वो है महासू, छोटी बड़ी रियासतें 26 से जो है बनाया गया था महासू को, और बिलासपुर के राजा आनंद चंद ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कब किए थे, बहुत ही डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी प्रकार से एचपीपीएससी द्वारा, तो सही आंसर है 15 अगस्त 1948 को जो है वो विलय पत्र पर उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। इसी प्रकार से बिलासपुर हिमाचल प्रदेश का पांचवा राज्य कब बना, सही आंसर है 1 जुलाई 1954 को। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश में संघ में संविधान सभा के सदस्य किसे बनाया गया, तो सही आंसर है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, यशवंत सिंह परमार को जो है संविधान सभा के सदस्य के रूप में बनाया गया है। अगला है, 1952 में प्रथम चुनावों में 36 सदस्यों की सभा में से किसे कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई, यानी कि जो 36 सदस्य थे मेंबर्स थे उसमें से कांग्रेस के कितने जीते हैं, देखते हैं 28 सीटें जो है वो कांग्रेस को उस वक्त यानी कि 1952 में भी मिली हैं। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कब बने,
तो मुख्यमंत्री तब बने जब हिमाचल जो है अस्तित्व में आया और राज्य बना, तो 24 मार्च 1952 को जो है यशवंत सिंह को हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया था। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश कब बना, तो ये 1956 में, 1956 में जो है वो हिमाचल जो है वो केंद्र शासित प्रदेश बना था। पहले हिमाचल को सिर्फ प्रोविजन में डाला हुआ था, फिर बनाया गया था। मंडी जिला के ठाकुर करम सिंह को किस संस्था के अध्यक्ष के लिए चुना गया है, तो वो चुने गए थे क्षेत्रीय परिषद के लिए जो है अध्यक्ष चुने गए हैं ठाकुर करम सिंह, जो कि मंडी जिला से जो है संबंध रखते थे। हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रीय परिषद को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कब परिवर्तित किया गया था, तो सही आंसर है 1 जुलाई 1963 को जो है परिवर्तित किया गया था। अगला सवाल है, दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने पर डॉक्टर वाई एस परमार के मंत्रिमंडल में कितने मंत्री बनाए गए थे, तो सही आंसर रहेगा 3 ही मंत्री सिर्फ बनाए गए थे। जब ये मुख्यमंत्री बने हैं तो टोटल 3 ही मंत्री और बनाए हैं इन्होंने। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने लोकसभा में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की घोषणा कब की थी, तो सही आंसर है 31 जुलाई 1970। 31 जुलाई 1970 को जो है इंदिरा गांधी के द्वारा जो है हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का जो है वो दर्जा मिला है, उन्होंने ये घोषणा की थी उस वक्त। ठीक है, और इन क्वेश्चंस को आपको लगाना है, पढ़ना है, नोट करना है, इन्हीं क्वेश्चन से पेपरों में जो है आपको यहां से देखने को मिलेंगे प्यारे बच्चों। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चंस तक लेकर जाऊं। आप इस सीरीज को जो है वो साथ साथ में लगाना, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना कि वो भी अपने सपने को जो है वो साकार कर पाए कि सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए। अगले सवाल के साथ चलता हूं। 25 जनवरी 1971 को प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने शिमला के रिज मैदान से जो है हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की घोषणा की, इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश देश का कौन से नंबर का राज्य बना, तो ये था आंसर 18वां पूर्ण राज्य बना है। 18वां पूर्ण राज्य जो है हिमाचल प्रदेश को इंदिरा गांधी के द्वारा जो है वो घोषणा की गई थी 1971 में। ये बहुत से क्वेश्चन हैं, किसने घोषणा की, कौन सा नंबर का राज्य बना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार से लगाइए। 1942-43 में ईस्वी में शिमला किस देश में की व्यवस्थापित राजधानी भी रहा है, यानी कि कौन से देश की थी, तो आपको पता है ये बर्मा की जो है वो राजधानी भी रहा है टेम्परेरी, जैसे कि तिब्बत की राजधानी इस वक्त मैक्लोडगंज धर्मशाला है, याद रखिएगा वहां से जो है धर्मशाला से ही हम तिब्बत को चला रहे हैं, याद रखिएगा। अगला है, 1948 में हिमाचल प्रदेश के लिए स्थापित की गई अल्पकालिक सरकार एंड टेम्परेरी के अध्यक्ष कौन थे, तो सही आंसर रहेगा पंडित शिवानंद रमौल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संसद द्वारा हिमाचल राज्य कानून कब पारित किया गया, हिमाचल राज्य यानी कि ये पारित किया गया था 1970 में, इसको पारित किया गया राज्य कानून। अगला अंतिम सवाल आज की इस सीरीज का है, 31 अक्टूबर 1956 को हिमाचल प्रदेश के विधानसभा को किस एक्ट द्वारा जो है समाप्त कर दिया गया, तो सही आंसर है स्टेट रिओर्गनाइजेशन एक्ट के द्वारा जो है वो इसको समाप्त कर दिया गया हिमाचल प्रदेश विधानसभा को। ये हमारी फुल टेस्ट सीरीज है जो कि स्पेशल 1088 पोस्टों के लिए, जो कि हिमाचल पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए है, फुल कोर्स दिया जा रहा है जिसमें हमारी ई बुक्स दी जा रही हैं,
स्पेशल नोट्स दिए जा रहे हैं, वीडियो क्लासेस दी जा रही हैं, टॉपिक वाइज सीरीज दी जा रही हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज दी जा रही हैं 55% ऑफ पर। और डाउनलोड कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन या हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पेट पर जो है वो सीबीटी बेस्ड है, कंप्यूटर बेस्ड होंगे। तो बच्चों तैयारी भी हमें कंप्यूटर बेस्ड करनी है, इसलिए हमें ये आपको एप्लीकेशन और ये वेबसाइट आपको पूरा फॉर्मेट के साथ बनाई हुई है। आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करके फुल कोर्स परचेज कर सकते हैं 55% ऑफ पर। अब आपका धन्यवाद करते हैं, आप हमारे साथ जुड़े। और भी नए क्वेश्चंस के लिए मैं कल फिर से नई वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।